नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या है चुनावी माहौल, यही जानने के लिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। यहाँ के हर एक जिले में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे समझ रहे हैं। हम जहाँ बैठे हैं, ये देश खाप के जो चौधरी हैं उनके लड़के हैं, उनका आवास है। खापों का भी एक प्रभाव होता है राजनीति में, खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात करें। खाप हम अलग अलग जाट बिरादरी सुनते हैं, वही जाट की अलग अलग जो उपजातियां हैं वही खाप हैं। तो हम चर्चा करेंगे खाप के प्रभाव की, किसानों की बात करेंगे। ये बड़ौत विधानसभा है, यहाँ से जो MLA हैं यानी जो विधायक हैं वो KP मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी से। एक बार फिर उन पर विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जयवीर सिंह, जो सपा और RLD के गठबंधन से हैं। बसपा ने भी यहाँ उम्मीदवार उतारे हैं, उस पर हम लौटेंगे। पहले खाप से शुरू करते हैं कि खाप का क्या रोल है, खासकर देश खाप का, किस तरह से वो चुनाव में, क्या वाकई चुनाव में प्रभाव डालते हैं, चुनाव को लेकर जो कहा जाता है खापों को, क्योंकि वो एक तरह से फतवे जारी किए जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता भी है, कि ये किम वदंतियाँ हैं यानी कि दंत कथाएँ हैं जो हम लोगों ने सुन रखी हैं। आपका बहुत स्वागत है। ये तो पहले तो यही समझ लेते हैं आपसे कि खाप का क्या रोल होता है, जो नहीं जानते हैं ये खाप है क्या, और खाप की फंक्शनिंग कैसे आप लोग काम करते हैं और क्या भूमिका होती है आप लोग। ये तो खाप एक सामाजिक संस्था हमारी, वो हजारों वर्षों से ये है, हजारों वर्ष पहले ये खाप पंचायत जो लग हुई थी ये है, और आज तक भी इस खाप पंचायतों का कभी अस्तित्व खत्म तो हुआ नहीं, कभी कमजोर कभी बढ़ जाता है। जैसे किसान अनुदान चला पिछले 13 महीने का, इसमें खाप पंचायतों का बड़ा योगदान, इस खाप पंचायतों का रहा। इसमें हरियाणा की सर्व खाप पंचायत हो, UP की खाप पंचायत हो, इसमें बड़ा योगदान खाप पंचायतों का इस आंदोलन को चलाने में रहा है। और रही चुनाव के मुद्दे की बात, और कभी चुनाव के मुद्दे पे कोई फतवा, जैसे फतवा शब्द मैं देखता हूँ TV पे कि खाप पंचायतों ने फतवा जारी कर दिया, खाप पंचायतें कभी फतवा जारी नहीं करती। तो ये अच्छा, थोड़ा देश खाप के विषय में बताइए, क्योंकि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने कुछ ग्रामीण, मतलब ऐसे ही सामान्य लोगों से चौराहे पर रुककर बात किया, तो उन्होंने बताया कि बड़ा पुराना इतिहास है। तो थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या इतिहास है देश खाप का, फिर हम और बातों पर धीरे धीरे चलते हैं। देखो, देश खाप के इतिहास की अगर बात करें तो 1000 साल पहले हमारा जो गांव है, जो बड़ौत है, शहर बना हुआ है, 1000 साल पहले बनी थी। उसी समय खाप पंचायत का निर्माण हुआ था यहाँ पर इस क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और इसमें बार बार जब भी आक्रमणकारी आए बाल से, तो बार बार खाप पंचायतों इनका डटके मुकाबला किया है। अगर हमारी बराबर में खाप अगर बड़ा हमला हुआ है तो तमाम खाप इकट्ठे होकर इस पर हमला अपना बचाव किया है। और जैसे हमारी ये देश खाप पंचायत है, हमारे इसमें 84 गाँव है, और ये खाप ऐसी है कि जिसमें एक गोत, मात्र एक परिवार, संयुक्त परिवार का एक बड़ा परिवार है खाप पंचायत। बहुत खाप ऐसी है तो जो एरिया खाप कही जाती है, जिसमें अलग अलग गोत के लोग आके बच गए हैं, परंतु ये खाप बनी यहाँ पर, परंतु ये भिन्न गोतों के लोग इकट्ठे हुए तो इसमें खाप पंचायत जो बनी, परंतु ये एरिया खाप हुआ, एक परिवार ही, जैसा देश खाप है ये एक परिवार की खाप है, इसे देश खाप है। एक चीज़ और हम लोग बहुत पढ़ते हैं और मतलब आता भी है कि इनपुट में, कि खापों को बड़ी दिक्कत है लड़कियों से, कहा जाता है कि लड़कियों को अगर ये कपड़ा पहन लिया, वो कपड़ा पहन लिया, इस तरह का जारी हो गया। हकीकत में होता है ऐसा कुछ कि आपके नाम का उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है? देखो, कुछ लोगों ने खाप पंचायत को ऐसा मान लिया, जैसा तुर्कनगारी अब ये है, बहुत पुरानी विचारधारा के लोग, ऐसा नहीं है। अगर खाप पंचायतों अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कॉलेज खाप पंचायतों ने बनाए हैं। इसमें जाट कॉलेज को देख लो आप, अगर हरियाणा की बात करो, रोहतक में जो कॉलेज बना ये खाप पंचायतों ने बनाया है। और अगर जहाँ जहाँ खाप पंचायत है, सबसे ज़्यादा कॉलेज खाप पंचायतों ने बनाए हैं। हर 5 किलोमीटर में, मैं बागपत जिले की बात करूँ तो 3 किलोमीटर का एवरेज है। अगर अपनी खाप की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पर 5 किलोमीटर है। हमारे बराबर में चौहान खाप है, वहाँ 2.5 किलोमीटर पर कॉलेज है। हमारे 5 गाँव इनके डांगडू के हैं, वहाँ 3 किलोमीटर पर कॉलेज है। हमारा एक एरिया 24 है, यहाँ पर 7 किलोमीटर पर कॉलेज है। मुझे फंदा करके अगर बात करूँ, जितने भी खाप पंचायतें हैं हमने कॉलेज तैयार करे हैं। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करी जा तो कॉलेज निर्माण में खाप पंचायत सबसे ज़्यादा रही है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो लड़कियों को अगर पढ़ाने की बात है तो खाप पंचायत में हमेशा प्रोत्साहन किया है, और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेज खाप पंचायतों ने खोले हैं। आप लोग इस पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि एक संयुक्त खाप भी हमने सोरम में आप लोग का है, मतलब मुख्यालय टाइप, हाँ, तो आप लोग इस पे चर्चा नहीं करते कौन लोग हैं जो आप लोगों का नाम बदनाम कर रहे हैं, या क्या है कि इस तरह की फतवा हमें सुनाई पड़ते हैं कि अगर एक ही गोत्र में शादी हो गई तो मर्डर कर दिया गया, इस तरह की चीज़ें
तो इसका जब आप लोग खबरें सुनते हैं देखते हैं तो आप लोग का रिएक्शन क्या होता है और इसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें ना आए आप क्या प्रयास करें? देखो अगर इसमें अगर एक गोत में तो शादी के हम बहुत खिलाफ हैं तो परंतु मानने का आज तक फरमान किसी खाप पंचायत ने नहीं दिया। सबसे बड़ी क्या दिक्कत है कि जैसे मीडिया है हमारी नेशनल मीडिया तो बड़ी बढ़िया कंपनियों की निगाह इन लोगों पर है क्योंकि खाप पंचायत में आज भी संयुक्त परिवार है। अगर परिवार टूटेंगे और बिखरेंगे अलग अलग मकान बनाएंगे जब इनका फ्रिज बिकेगा जब इनका टीवी बिकेगा जब इनका एसी बिकेगा। जैसे हमारे ये पारिवारिक घर है तीन चार परिवार रहते हैं अगर ये परिवार इकट्ठे है तो एक एसी में काम चल रहा एक फ्रिज में काम चल रहा एक रसोई में काम चल रहा एक गैस सिलेंडर में काम चल रहा एक गैस चूल्हे में काम चल रहा जब अलग अलग होंगे तो सबको अलग अलग जाएगा। तो इसलिए खाप पंचायतों का है तो इन्हें बदनाम कीजिए खाप पंचायतों को और इन्हें टुकड़े करिएगा। लोग इसके लिए प्रयास नहीं करते क्योंकि आप बड़ी खापे हैं आप लोगों की बड़ा प्रभाव है तो इसके लिए आप लोग की तरफ से भी तो कुछ होता नहीं भाई। आप जैसे आपका नाम बदनाम करने की कोशिश हो रही है जैसे बताना कि लोग चाहते हैं कि परिवार टूटे तो आप लोग की तरफ से क्या जागरूकता के लेकर कुछ पहल की जाती होगी? देखो तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग कह देते हैं कि खाप पंचायत हुई खाप पंचायत का एक सिस्टम है सरोखा पंचायत। आज हमारे पास में सोशल मीडिया है आज हमारे पास में फोन है उसके बावजूद भी अगर सरोखा पंचायत हमें करनी पड़े 2 वर्ष का टाइम लगेगा। प्रक्रिया बताइए समझते हैं। जैसे पहले पंचायत होगी सभी खापों के चौधरी को जिस जो खाप मुख्य कोई मुद्दा उठाना सोचेगी तो जैसे हम ये उठाना सोचेगी तो सबसे पहले हम सभी खापों के पास चिट्ठी डाल लेंगे कि जी इस तारीख में हम कुछ मीटिंग करना चाह रहे हैं इस पर आगे विचार किया जाओगा तो सभी खापों के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। किसको किसको ये चिट्ठी जाती जो भी खाप चौधरी है जैसे हमारे पास कोई चिट्ठी आएगी सबसे पहले हमारे पास आएगी खाप चौधरी के पास खाप चौधरी देगा इसके बाद में जो हमारे थंबो के चौधरी है उनके पास जाएंगे। कौन से चौधरी? थंबो के चौधरी। ये आपके नीचे मतलब एक तरह से हाँ एक सिस्टम से जैसे एक हम तो संयुक्त रूप से एक परिवार के मुखिया बन गए उसके बाद में अगर 5 भाई है तो ये थंबे के चौधरी बने किसी के 5 गांव है किसी के 7 गांव है किसी के 16 गांव है किसी के 14 गांव है उसी तरह में इनके पास चिट्ठी जाएंगे बस चिट्ठी आई वहाँ से तो उसके बाद में फिर इकट्ठे होने के बाद में कहेंगे चौधरी को कहेगा आप जाओ जी चौधरी कहेगा चौधरी को खाप कहेगी आप वहाँ से चिट्ठी तो आप वहाँ पर जाइए तो उसके बाद में फिर वहाँ पर जाके बात होगी कि भाई सरोखा पंचायत है आप सरोखा पंचायत कौन सी खाप बड़ी है कौन सी से ले सकती है अपनी बड़ी जिम्मेदारी होती है इसमें 2 दिन की 3 दिन की खाप पंचायतें होती है और इसमें खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है बहुत लोग आते हैं इसमें लाखों लोग आते हैं इसके खाने की रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है बड़ा मैदान करना पड़ता है तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और सरोखा पंचायत में आज के बावजूद भी आज सब कुछ होने के बावजूद 2 साल का वक्त लगता है। आज क्या कर दिया कि आप 4 टीवी चैनल वाले बुलाए मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो आपकी चलेगी नहीं चलेगी अलग मैटर है परंतु मैं अभी आपको 1-30 सेकंड का एक वीडियो जारी कर दूंगा। हमारी खाब में अगर किसी लड़की ने जींस पहन ली इसका कतराम कर दिया जाएगा ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा चलेगी। हाँ ये इस तरह मैं यही कहा ना कि ये जो चर्चाएं होती हैं इसको जैसे आपने कहा ना 2 साल पे आपकी बैठक होती है तो इस तरह की बातें आप लोग चर्चा भाई हमारी खापों को लेकर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये क्योंकि कुछ तो कहीं ना कुछ हो रहा होगा या कोई और चाह रहा होगा जो आपने कहा अभी बैठे 2 मिनट के बाद में तो आप इसको रोकने के लिए कोई कोशिश या कुछ किया जा नहीं जो सरोखा जी पंचायत होती नहीं है मैं कारण क्या है कि जब 3 आदमी खड़े हो गए 4 आदमी 5 आदमी कोई हुई आके खड़ा होकर वोट देगा तो ये खाप पंचायत के सदस्य थोड़ा ना है। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस तरह करते हैं वो पता चलता है वो असली में खाप पंचायत के सदस्य है ही नहीं। ठीक अब थोड़ा चुनाव पे लौटते हैं खासकर बड़ौत पे लौटते हैं ये चौधरी चरण सिंह के जमाने से ये पूरा इलाका बागपत का एक बहुत महत्वपूर्ण RLD का वो माना जाता था। 2017 में यहाँ से KP मलिक साहब चुने जाते हैं। अभी चुनाव के मुद्दे क्या हैं किधर चुनावी बयार बह रही है? देखो अगर आपने एक सिंगल जैसे खाप पंचायत की अगर बात करते हैं खाप पंचायत में 1857 में जब जिसके राज में सूरज नहीं छिपता था अंग्रेजों के तो उसके खिलाफ भी अंग्रेजी लड़े थे जिस खाप में बैठे इसमें बाबा सावन पैदे हुए बाबा हमारे बाबा जी चौधरी सोहर सिंह जी पैदा हुए कोई गाँव हमारे खाप का ऐसा नहीं बचा जिसमें से हर गाँव में से शहीद शहादत न दी हमने 1857 में और हमारे साथ में कहते हैं कि ये क्षेत्र जाट बेल्ट है ऐसा नहीं है कि जाट बेल्ट है जाट यहाँ पे अधिक है तो जाट बेल्ट नहीं होती। जैसे हमारे पास हमारे अगर यहाँ पे बागियों की अगर बात की जो गांव बागी हुए जैसे हमारे गांव तोमलू के गांव काफी हुए खाप पंचायतों के गांव बागी हुए तो हमारे से ज़्यादा गाँव गुजरू के बागी हुए हमारे से ज़्यादा मुसलमानों के गाँव बागी हुए परंतु
बार बार मीडिया के सोशल मीडिया में बहुत हमने बटराव किया, कभी बिरादरी में बटराव आके कि गुज्जर और जाट को अलग किया गया, कभी मुसलमान को जाट को अलग किया गया, परंतु फिर एक बार लोग सुधरे, किसान आंदोलन चलाए। पिछले एक साल 13 महीने का किसान आंदोलन लंबा आंदोलन होता है देश की आज़ादी में, यह आज तक का किसान आंदोलन अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड का पहला किसान आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से है। तो जैसे हमें बार बार बदनाम करने की कोशिश करी गई 26 जनवरी को लेकर, बहुत बदनाम किया गया हमें कि भाई आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए, फलाना आ गया, डिगड आ गए। आप ये बताइए कि 25 लाख लोग दिल्ली में गए थे, 4 लाख ट्रैक्टर हमारे गए थे, नवनीत सिंह यहाँ पर शहीद हुए थे, इसे उठा के हम मिले थे, हम मैं भी था इसमें। क्या किसी महिला के साथ में छेड़खानी करी गई? नहीं करी गई होगी। क्या किसी के मकान का सामने रखा हुआ एक गमला भी नहीं उठा होगा, किसी का फूल तक नहीं टूटा। अगर हम आतंकवादी होते, वो 25 लाख लोग दिल्ली में गए थे, दिल्ली को लूट के आते, परंतु किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ गड़बड़ नहीं करी, क्योंकि हम किसान थे, तो इसलिए हम बड़ी शांतिपूर्ण अपने प्रदर्शन करने के लिए गए थे और वापस आए। जो मैंने अभी आपसे पूछा चुनाव को लेकर कि क्या चुनाव की स्थिति है और चुनाव के मुद्दे क्या हैं, कैसे वोट करते हैं आप लोग, क्या अभी भी आपने कहा ना किसान आंदोलन के बाद यूनाइट हुआ है गुर्जर, जाट, मुस्लिम, हाँ, तो अभी इस चुनाव में उसका इफेक्ट क्या, मतलब प्रभाव क्या दिख रहा है आपको? देखो, इस 13 महीने का किसान आंदोलन चला, 750 से ज़्यादा की हमारी शहादत हुई, 13 महीने की ट्रेनिंग हुई यहाँ पर किसान की, ट्रेनिंग हुई भाई 13 महीने हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फलाना ढिगड़ा सब कुछ कहा गया, उसके बावजूद भी हम वोट का देगा किसान, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, किसान समझदार है। नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता वोट किसको देगा, वो आपका पर्सनल राइट है, वो मुझे जानना भी नहीं है। मुझे ये जानना है कि इस बार के मुद्दे किस तरह से उठाए जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, सिर्फ क्या किसान आंदोलन इफेक्ट एक ही इफेक्ट है या और भी ढेर सारे मुद्दे होते हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, कुछ जैसे मान लीजिए बड़ा होते कोई मुद्दा होगा, इस तरह के कुछ मुद्दे हैं, क्या मुद्दा रहेगा जो प्रमुख तौर पर रहेगा चुनाव में? देखो, कुछ तो मुद्दे ऐसे है कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, और एक हमारे यहाँ पशु आवारा जो पशु है बड़ा मुद्दा है, और आज की तारीख में एक्स्ट्रा जो हमारी खेती है इस पे हमें 25-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा प्रतिवर्ष एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, तार बंदी वगैरह वगैरह करके, तो बड़ा मुद्दा है ये किसान का। क्या नाम है आपका? जी संजीव राणा। संजीव जी, क्या करते हैं आप? मैं तो जी कोऑपरेटिव समिति में सर्विस करूँ। क्या लग रहा है आपके यहाँ, क्या स्थिति है चुनाव वगैरह की, क्या मुद्दे? तो जी लोकदल लग रहा जी, एक दफा हाँ लोकदल आ गया। क्या वजह है, क्या सपा और आरएलडी का परेशान है जी सरकार से, किसान परेशान है। ऐसा क्या मतलब अचानक, क्योंकि यहाँ से पिछला चुनाव जयंत चौधरी संभवतः लोकसभा खुद लड़े थे, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जयंत को उस समय मतलब चुनाव वो हार गए और फिर चौधरी अजीत सिंह भी हार गए, तो क्या 1.5 साल में ही सारा सब कुछ ये किसान आंदोलन के बाद पलटा यहाँ का माहौल? ठेस लगी किसानों को, ठेस लगी, वोट दिया भाजपा को, वोट दिया लोगों ने, लेकिन उनके झूठे वादे, उनसे परेशान होकर तब इन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि लास्ट लोकदल को वोट दिया जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौराज सिंह है। आप भी खेती किसानी करते हैं? जी खेती करते हैं। ये बताइए थोड़ा सा, भाजपा का जो दावा है कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए, वो कहते हैं कि 2000 रुपये दिए, तमाम बातें वो कहते हैं अपनी तरफ से, ये इम्प्लीमेंट है, इसका प्रभाव कुछ दिखता है कि वाकई स्थिति खराब? वो कहते हैं गन्ने का रेट 25 रुपये बढ़ा दिए, 25 रुपये प्रति क्विंटल, तो इससे आप लोग पर कोई असर पड़ा है क्या? आप लोग और मांगे थी बिजली को लेकर भी, कई मांगे थी कि बिजली महंगी है, क्या मांगे हैं और क्या इन भाजपा का जो, भाजपा ने जो अपना दावा करती है उसमें कितनी सच्चाई है? भाजपा तो सारा झूठा दावा कर रही भाई साहब, जुमलेबाज सरकार है, जितने वादे किए सब झूठे, काला धन कहते लाने को वापस काला धन दिया, 15 लाख खाते में दे कहते देने, 15 लाख खाते नहीं, सबसे महंगी बिजली है यूपी में, और जी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, और रेल तक इसने बेच दी, हवाई जहाज इसने बेच दिए, सब चीज़ इसने बेच दी, सब प्राइवेट कर दी सब। ये मुद्दे आपको लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रभावी रहेंगे? प्रभावी रहेंगे नहीं, बहुत ताकत के साथ लोग दल जीतेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जिंदर सिंह। आप भी खेती किसानी? हाँ खेती किसानी है। क्या है आपके यहाँ की स्थिति परिस्थिति, क्या है मुद्दे, चुनाव क्या है, जाति देखा जाता है कि धर्म देखा जाता है कि मुद्दे रहते हैं? यहाँ जाति धर्म नहीं देखते, यहाँ तो जो है जी हमें अपना हक नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो एक तरफा जो है राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। क्या चाहते हैं आप, जब कह रहे हैं ना कि आपका हक नहीं मिलेगा, तो क्या आप क्या उम्मीद करते हैं जो सरकार, जो भी सरकार, जैसे आपने कहा जयंत
की आप तारीफ कर रहे थे, तो क्या चाहते हैं कि अगर जयंत सत्ता में आते हैं तो क्या आपके लिए करें, आपकी मांगी क्या क्या? हमारी मांग तो जो है यही है, भाई जो है बच्चों को जो है रोजगार मिले, और जो है भाई हमारे ये खेत में जो है दिन रात पशु उजाड़ रहे, इन्हें जो है छुटकारा मिले इनसे। आवारा पशुओं वाली समस्या है, एक दो युवा हैं इनसे भी थोड़ा समझेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किस तरह से चीजें हैं। क्या नाम है आपका? अनुज चौधरी। आप भी खेती किसानी करते हैं, कोई तैयारी व्यारी करते हैं? नहीं, खेती किसानी पे ही हैं अभी तो, बेरोजगार हो लिए जी। ये बताइए क्या है आपके यहाँ की चीज़ की? मिलिट्री भी की भी करी, पुलिस की भी करी, भर्ती में जा रिटिन में कोई पास नहीं करने देता, ना पढ़ कोई जो है नंबर आने देता, कहीं कुछ नहीं है जी। क्या स्थिति लग रही है इस बार चुनाव को लेकर, क्या है आप लोग के मुद्दे, क्या है एक युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं जब वोट के तौर पर? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी, बेरोजगारी घटानी पड़ेगी ना, इन्होंने वादे कर दिए बहुत बेरोजगारी, इतनी लाख नौकरी देंगे, इतने करोड़ देंगे, इन्होंने दिया किसी को कुछ है नहीं, सब चीज़ प्राइवेट करने लग रहे, सरकारी नौकरी छोड़ देंगे नहीं, सब प्राइवेट में ही नहीं बढ़ेंगे फिर, यही मुद्दा है जी। अच्छा, आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा ये रहेगा जी, युवाओं को तो नौकरी नहीं है, बिजली बिल दूना है हमारे यहाँ से और क्षेत्र बिजली तुलना ज़्यादा है, रोजगार खत्म बिल्कुल, युवाओं को नौकरी नहीं है, गांव बछड़े हमारे सिर पर दर्द दिए, उन्हें रह तो हम भगाऊ फिरू जाँ, वे हमें भगाऊ फिरू जाँ, दो चार आदमी का हाथ पाँव भी टूट गए तो इन्हें कौन वोट देगा? आप लोगों के क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं ये थोड़ा हमें एक एक करके बताइए। क्या नाम दाऊ? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, ठीक है, कई नेता आए आपके सामने चले भी गए, अभी क्या है चुनाव आपके क्षेत्र का, क्या चक्की कौन सी हवा बह रही है आपके यहाँ? यहाँ पे जो है गठबंधन जीतेगा और हम जयंत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ाएंगे। क्यों आपको लग रहा है जैसे जयंत आप कर रहे हैं जयंत साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो एक सवाल पूरा कर लेते हैं, क्या वजह है, क्या जयंत जो वादे कर रहे हैं उसको लेकर, या क्या है कि पिछला काम जब वो सांसद थे वो उसमें हमें चौधरी चरण सिंह के गट्स दिख रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह ने सदा जो है किसानों की हिमायत की है, जैसे जो है किसानों को आगे बढ़ाने का, जमींदारा ख़त्म करने का, जो है उसके फादर अजीत सिंह ने जो है यहाँ मील दिए, इसी तरह जयंत हमको किसानों को, खासतौर से जाटों को नहीं, किसानों को, 36 बिराद किसान है तो उसे भी ये जो है किसानों को आगे बढ़ाएगा। एक चीज़ सरकार दावा करती है, मैं उस दावे का आपको आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमने गन्ना भुगतान बड़ी संख्या में किया है, गन्ने भुगतान में बकाया नहीं रह गया, एक दो मिलों को इस बात छोड़ दें अगर, तो उनका जो दावा है इसमें कितनी सच्चाई? आप गन्ना बेल्ट से आप लोग आते हैं, गन्ने की खेती आपके यहाँ होती है, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल झूठ बोल ले, कोई गन्ना भुगतान नहीं किया इन लोगों ने, ये झूठ बोल ले। किसान मजदूर और जाट बिरादरी, 36 बिरादरी गठबंधन के साथ जा रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम चुनाव कराना चाह रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा बहुत पीछे चला गया, यहाँ पे भाईचारे का चुनाव होएगा, अब की बार उत्तर प्रदेश से बाबा अपने मंदिर में चले जाएंगे वापस। क्या है आपका, क्या नाम है आपका? अभिलाष तोमर। क्या करते हैं आप भी, खेती किसानी करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ लो का, MSc बोटनी से कर चुका हूँ। MSc कर चुके हैं? हाँ जी। तो अभी क्या कर रहे हैं अभिलाष जी? अब मैं तैयारी कर रहा हूँ लो की, किसी तरीके से घर का गुजारा चल जाए। लॉ की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी कोर्स कर रहे हैं आप? LLB फाइनल ईयर है। कहाँ से कर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। क्या लग रहा है वकील साहब आप बनने वाले हैं एक साल बाद? चुनाव को लेकर, तमाम बातों को लेकर बहुत सी बातें कही जाती, क्या है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो युवाओं की बात अगर हम कहें तो सरकार ने रोजगार की बात कही थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार तो मिला ही नहीं, जो रोजगार पे थे हमारे, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 4.5 लाख पद अभी सरकारी खाली हैं, तो रोजगार देना तो लग रहा है, जो रोजगार थे सरकारी उहदों पे थे वो भी इन लोगों ने हटा लिए। अगर किसान की बात करें तो किसान ने ये मान के वोट दिया था कि इन्होंने कहा था कि 14 दिनों में गन्ना पेमेंट होगा। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, अलग अलग मुद्दे हैं, खापों का क्या प्रभाव होता है इस पर भी हमने इसलिए बात करना जरूरी आ समझा कि कई बार कई बातें आती हैं सामने, और ये बड़ौद के लोग हैं, 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे, चुनावी नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में फिर से किसकी सरकार बन रही है और कौन गद्दी पर बैठ रहा है, सपा RLD की सरकार बनती है
या योगी आते हैं या मायावती की सरकार बनती है, क्या कुछ होगा ये यही लोग तय करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। आप बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के साथ। नमस्कार।